लोग देख सकते हैं इसे दोस्तों हम लोग घेर दिए हैं। राधे 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 भूत वाला आंदोलन, भूत वाला आंदोलन, भूत फिर बाद में दोस्तों इसे लगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। सो दोस्तों अभी सुबह का बज चुका है 7 और यहाँ का दोस्तों नजारा आप लोग देख सकते हैं बहुत ही दोस्तों आज ना मस्त मौसम किए हुए। कल दोस्तों काफी ज्यादा बारिश हो रहे थे, कल ना दिनों भर दोस्तों बारिश हुए। और आप लोगों को दोस्तों बता दूं, विराट को ना गुड़िया जी जो कि नहीं भेजे हैं, मतलब हम और गुड़िया जी मतलब दोनों मतलब रोने जैसा फील होने लगा ना, तो हम नहीं भेजे क्योंकि लेके जा रहे थे, क्योंकि आज तक हम चीकू को चाहे विराट को कहीं मतलब दूर नहीं छोड़े ही नहीं है, छोड़े ही नहीं है। तो इसीलिए तो माँ का ममता और समझ सकते हैं आप लोग, तो विराट को नहीं भेजे। बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली कमेंट भी किए थे कि विराट के जो कि मत भेजिए, तो बहुत सारे लोग बोले। तो यहीं पर दोस्तों कुछ उपाय करके देखते हैं जिससे कि विराट जो कि दूध छोड़ दे। और विराट अभी छोटा सा ना है, वो हम लोग के बिना रहेगा ही नहीं। हाँ, गुड़िया जी कहीं भी एक मिनट के लिए भी कहीं चल जाते हैं ना तो खोजने लगता है पापा मम्मी 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 ऐसा करने लगता है। इसीलिए दोस्तों विराट को ना हम नहीं जाने दिए ताकि वो हार जाएगा, बहुत दिक्कत होगा ना उसको। हाँ, इसी चलते दोस्तों तो अभी सुबह का समय हो चुका है तो किचन रूम को साफ सफाई करना है क्योंकि कल ना बारिश हो रहे थे दोस्तों, तो नहीं साफ सुथरा कर पाए थे चारों तरफ। तो बॉन्डिंग आप लोग देख ही रहे हैं चारों तरफ से, आज कर देते हैं साफ सफाई, आज जो कि साफ सफाई कर देते हैं ना बराबर बराबर। और धूप करते हैं दोस्तों पूरा आंगन को ही निपोत कर देते हैं, धूप करेंगे ना तो सब जानते हैं कपड़ा सब कपड़ा में तो बदबू निकल रहे हैं, तो बरसात दिन में अच्छा से नहीं ना सूखते है। हाँ, की धूप निकलेंगे तो सबको वाश करेंगे फिर से और सुखाएंगे सबको। चलिए इसे दोस्तों ट्रंक को ना उधर साइड में रखते हैं, नहीं तो ट्रंक खराब हो जाएंगे। हाँ। और इसमें दोस्तों बहुत सारा सामान जो कि रखे हुए, गुड़िया जी देखिए उधर ईंट लगा रखे हैं, उतारिए बेटा। हाँ। चलो आ रहे हैं, रुक जा थोड़ा, उठा सांप बिच्छी के देख लीजिए। विराट दोस्तों गुड़िया जी को बुला रहा है, मम्मी ऊपर उठाइए, ऊपर उठा कर रखिए ठीक है, देखिए लेकिन मुंह ले जाइए, मम्मी मम्मी बुला रहा है दोस्तों विराट, आओ आओ कह रहा। आप लोग दोस्तों विराट से मिल लीजिए, बोले राधे राधे राधे। माइक लिए हो? एयर बैग बोला माइक। तुम नहीं गया जी? हाँ? अपना घर नहीं गया? तोला क्या? तोला आंदले भूत वाला आंदले, भूत तुमको कौन बता दिया कि भूत होता है जी? हाँ? दोस्तों चीकू जो कि सो करके उठ रही है ये अभी तक, देखिए सोकर अच्छा लगा। चलो फ्रेश करते हैं इन लोगों को दोस्तों, सुबह सुबह जो कि फ्रेश करते हैं और उसके बाद बिस्कुट उसकी टान करके देंगे। विराट मेरा दीदी का लड़का ना आया गेंदा लेकर के, तो खेलने के लिए बोल रहा है, गेंदा खेलोगे? खेलने के लिए बोल रहा है, ए दो दो खेलने के लिए दो, इधर खेलने के लिए बुला रहा है, उधर जाओ, उधर फील्ड है ना, यहाँ पे ग्राउंड दोस्तों बना हुआ एक तरह से। विराट गेंद वाले लिए थे तो ऊपर नहीं है, पता ना कब चौकी के अंदर है, जो लेकर आओ, जाओ जाओ लेकर आओ। कहाँ बिक रहा है जी? गुरुवाई किराना स्टोर वाले का दोस्तों नाम है गुड्डू, इसलिए बोल रहा। अच्छा जी, पापा जाएंगे तो ले देंगे। मारो मारो विराट, या तो अभी दोस्तों पूरे आंगन को साफ सफाई कर दिए हैं और अभी का दोस्तों नजारा देख लीजिए आप लोग। साफ सफाई दोस्तों करने को ना काफी ज्यादा दोस्तों अच्छा लगने लगा है हमारा आंगन। और गुड़िया जी हैं जो कि खाना खाना बनाना जो कि शुरू कर दिए हैं, क्या क्या बनेगा? क्या बनेगा? लौकी की सब्जी बनाएंगे, लौकी बैगन, दाल डालकर, लौकी दाल, देखते हैं चना। हमारे दोस्तों दुकान में बगल में ना चना फुला करके रखते हैं ना, चना वाला नहीं बनाएंगे, दाल दाल चावल लौकी, दाल में फेट कर बनाएंगे लोग। और दुकान से कुछ लाना है तो सामान भी खत्म हो चुके हैं, राशन और सरसों तेल जो कि खत्म, बहुत तेल भी खत्म हो चुके हैं और भी
मर मसाला ये सब खराब हो मत खत्म हो गया बच रहे हैं। सारा कुछ दोस्तों जो कि लाने के लिए जाना है मार्केट से, एक महीने का राशन है ना। क्या हुआ, दुकान जाने के लिए दोस्तों रो रहा है। चलो को दुकान लग गया विराट को, बारिश हुई है ना, 4-5 दिन से लगातार हो रहे हैं तो, और इसे छोड़ देते हैं, ले जाते हैं हमारे मम्मी जी तो बहुत ज्यादा रोता है। तो उपाय करिएगा गुड़िया जी, ठीक है, कि दूध ना पिए, छोड़ दे। हाँ, बिस्किट खा रहा था। बिस्किट खाओगे? बिस्कुट। हाँ चलो दुकान लेकर के चलते हैं। कान दुकान भी चलोगे दुकान चिको? सो दोस्तों विराट और चिकू को ना दुकान लेकर के चल रहे हैं बहुत दिन के बाद, नहीं तो ला करके मैं दे देता हूँ बिस्किट ये सब सब, लेकिन ये भी दोस्तों ना घर पे बोर हो जाते हैं। हाँ। तो इन लोगों को घुमाना दोस्तों जरूरी है ना। बाय विराट, इसीलिए बाय 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 बाय। चिकू भी बाय बाय कर रही है, बाय बाय। चलिए बाय बाय हो गया, अभी चलते हैं दोस्तों किराना स्टोर, और बाहर से दोस्तों हमारा बॉर्डरिंग कैसा दिखता है आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह, चलो चलो चिकू चलो, तो यहाँ से दोस्तों ज्यादा दूर नहीं है, चलो। A few minutes later. So, अभी दोस्तों आ चुके हैं दुकान में, क्या लोगे? केक लेगा, केक? हाँ। के? जो कि अभी आ चुके हैं और सामान वामान दोस्तों जो गुड़िया जी मंगाए थे वो लेकर के चले आए हैं, और इधर दोस्तों देखिए गुड़िया जी जो कि खाने के लिए इसमें काजू और बादाम को फुलाए हुए हैं, और इधर देखिए पपीता को काट के रखे हुए हैं, और इधर लौकी अभी काट रहे हैं सब्जी के लिए। तो गुड़िया जी तो बहुत ज़्यादा दोस्तों वीक हो गए हैं, तो इसीलिए गुड़िया जी के लिए मैं पपीता लाया हूँ, मतलब लाया हूँ, खराब हो जाते ना। और इधर देखिए तुम भी खाओगे ना चिको? हाँ सभी खाएंगे, दो टाइम करके खा जाएंगे ना, दोपहर अभी और दोपहर में। खराब होने से बढ़िया है दोस्तों कि खा जाए। जो कि पूरी तरह से बन गए हैं, और क्या क्या बने दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ, और लोगों को ना एक चीज और दिखाने है भाई, जो कि हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे उस चीज का, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। ऐसे दोस्तों आप लोग थंबनेल देख ही लिए हैं, लेकिन अच्छे से दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या हम लोगों ने किया है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को भूख लगे हुए ना, तो हम लोग खाना खाएंगे, तो खाना गुड़िया जी लगाइए। जो कि खाना लगा रहे हैं, और ये देखिए इसे लौकी तड़का बोल सकते हैं, क्योंकि दाल इसमें दोस्तों मिक्स है। और अभी चिकू के पापा जी खाना खाने बैठ गए हैं, और चिकू भी साथ में खा रही है। ब्यूटीफुल हम लोग खाना है जो कि खा लिए हैं, और अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसे दोस्तों हम लोग घेर दिए हैं। आपसे दोस्तों कुछ दिन पहले बोला था कि हम लोग जो कि यहाँ पे सब्जी लगाने वाले, उसके लिए दोस्तों अच्छे से हम लोग बॉन्डिंग करेंगे, और अभी आप लोग दोस्तों देख सकते हैं बॉन्डिंग जो कि कर दिए हैं। हालांकि दोस्तों हम लोग ने चाह रहे थे वहाँ से बॉन्डिंग करने के लिए, तो वहाँ से बॉन्डिंग करूँगा, लेकिन इतना ही दोस्तों बहुत जगह हो गया इसमें दोस्तों, बहुत सारे सब्जियाँ जो कि उगेंगे, और पेड़ भी दोस्तों लगाऊंगा ताकि मतलब अच्छा लगे। देखिए जैसे कि पेड़ लगाया हुआ है ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर पपीता का दोस्तों पौधा पेड़ लगाऊंगा, और भी नींबू का जो जल्दी मतलब होने वाले रहेंगे ना वो दोस्तों लगाऊंगा पेड़। और इतने देख रहे होंगे आप लोग बहुत ज़्यादा घास है, तो इसे दोस्तों हम लोग साफ सफाइयाँ जो कि करने वाले हैं, इसके लिए एक ग्लेशियर कुछ आता है दोस्तों दवा, आप लोग तो बताइएगा। हाँ वो सब अगर मतलब छीट दूंगा तो कैसा रहेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे लग रहा है कि चिकना हो जाएगा, और उसके बाद जोताई करवा करके और यहाँ पे सब्जियाँ जो कि उगाएंगे और पौधा लगाएंगे, ऐसा दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखिए कैसे हम लोगों ने बनाए हैं वो दोस्तों देखिए। और यहाँ देख लीजिए बाहर जाने के लिए हाँ गेट भी हम लोग बनवाए हैं। हाँ ये बाहर जैसे कि जाना उना इधर साइड में रहेगा ना, उधर साइड में तो मुड़ के नहीं जाना पड़ेगा, फिर बाद में दोस्तों इससे लगा दूंगा यहाँ पे। और इधर से दोस्तों बकरिया वकरिया जो कि नहीं आ पाएगी, डॉग वॉग भी नहीं आ पाएंगे, और जानवर जो कि रहते हैं वो नहीं आ पाएंगे ना। तो पौधा जो दोस्तों जो भिंडी का रोपेंगे, बैगन हो गया, ये सब दोस्तों सारा कुछ जो कि इसमें लगाएंगे, पालक उलक, और सिंचाई के लिए दोस्तों सिंचाई करने के लिए मोटर जो कि वहाँ पर बैठा रखे हैं, ज़्यादा दिक्कत होंगे तो यहाँ पर से पानी जो कि सिंचाई करने के लिए निकालूंगा। यहाँ पर दोस्तों मामा जी जो कि बोरवेल जो कि गड़ाए हैं बोरी, जिससे दोस्तों वो खेती जो कि करते हैं ना। बता दूँ नया तरीका से भी हम लोग लत्तर जो कि रोपेंगे, और बहुत जमा मतलब इसी तरीके से होते हैं, जैसे कि चाली बना करके जैसे इस तरह से थोड़ा चाली बना करके और ऊपर भी सब्जी रहेंगे, और नीचे इस तरह से थोड़ा चाली बना करके और ऊपर भी सब्जी रहेंगे और नीचे भी लगेंगे। हाँ। तो मतलब और मस्त रहेंगे ना, लटक 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 के फरेंगे ना, तो और भी दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छा लगेंगे। और सब्जी दोस्तों आप लोगों को पता है कि महंगा बाजार में मिल रहा है,
उग जाए दोस्तों, सब्जी उग सकते हैं अगर अच्छे से हम लोग उगाएंगे तो, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ जमीन है। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा केचुआ है, देखिए केचुआ दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ये देखिए गुड़िया जी, है ना, ये सब केचुए ही है, सब केचुआ। तो केचुआ से क्या होता है? क्या होता है कि जैसे कि उर्वरक का जो क्षमता होता है ना वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों हम लोग का यही प्लान है, अच्छे से हम सब्जी उब्जी यहाँ पे उगाएंगे। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा कैसे, और थोड़ा आइडिया दीजिएगा कहाँ यहाँ पे और अच्छे से सब्जी कैसे उगा पाएँ हम लोग। और जो लोग सब्जी उगाते होंगे वो आइडिया हम लोग दीजिएगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम जो कि करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोग को कैसे लगे आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। आप पूछ रहे हैं।